कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमारे पास आया है 2003 मॉडल का रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा है, विदाउट बैटरी स्टार्ट है। और ये गाड़ी में डाल के हमारे पास आया, पिछले 3 साल से ये खड़ा था। जो भाई साहब हैं वो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, उन्हीं के घर में खड़ा था। तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। भाई ने हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही पूरा इसमें जो वेस्टेज वाला इंजन ऑयल होता है वो मल के रखा हुआ है, इसने पूरा लगा के रखा है। इसलिए गाड़ी की कंडीशन ऐसे देखने में अजीब सी लग रही है बस। बट ये गाड़ी 3 साल के बाद हमारे पास आई है। हम इस गाड़ी को अभी आपके सामने स्टार्ट करेंगे। पेट्रोल हम डाल चुके हैं इसमें भी, और स्टार्ट करके आपको दिखा देंगे स्टार्ट होती है या मेहनत करवाती है हमसे स्टार्ट होने में। वैसे ये गाड़ी में और बैटरी स्टार्ट है और भाई साहब ने बैटरी खोल कर रखी है। बैटरी भी इसमें बड़ी लगाई गई है, बड़ी बैटरी से लगाई कि भाई ने काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी करवा के रखी है इस गाड़ी में। तो गाड़ी से आप ये देख सकते हैं गाड़ी के मॉडल। तो अभी आपको हम स्टार्ट कर करवाते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है। तेल आ रहा है इसमें, पहले हम गाड़ी स्टार्ट ही घड़ी दी तो इसको पहले हम स्टार्ट करके देखते हैं, किक मार के देखेंगे कितनी देर में ये स्टार्ट होती है। उसके बाद आपको बताते हैं गाड़ी की कंडीशन और गाड़ी की साउंड कैसी है। परेशानी हो रही स्टार्ट करने में, स्टार्ट तो हो जाएगा क्योंकि तो इसकी जो चौक खींच के स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये रिवर्स किक मार रही है, इसका मतलब ये है कि स्टार्ट होने के आगे ये नज़दीक में। ज़्यादा चौक लगी आई थी, देख सकते हैं आप ये गाड़ी बड़े प्यार से स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसको ज़्यादा स्टार्ट नहीं करते हैं, बस आपको यही दिखाना कि 3 साल के बाद ये स्टार्ट होती है। गाइस ये जो बाइक है इसमें शायद पेंट भी करने के लिए भाई का प्लान बन रहा है, और टाइगर हेड भी पेंट करने का कुछ सोच रहे हैं, और इसके जो टूल बॉक्स है शायद वो भी पेंट करेंगे। तो भाई कुछ अजीब तरीके के इसमें पेंट करेंगे, वो देखते हैं कौन सा होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग एक बार फिर से बहुत ही अच्छी कंडीशन में है बाइक। इस बाइक को खोलेंगे, खोलने के बाद डेफिनेटली जैसा कि पिछली बाइक में भी हमने आपको बताया था कि जलंधर में ही सारा इसका काम होता, तो ये बाइक में पहले हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आपको इसकी कंडीशन बताते हैं, फिर इसको खोल के जलंधर में इसको भेजेंगे, फिर इसका काम कराएंगे, फिर आपको बताते हैं कैसा ही गाड़ी रखेंगे। तो सब गाइस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। गाइस आप देख सकते हैं बुलेट ये खुल रहा है पेंट के लिए, तो सुबह इसको जलंधर के लिए भेज रहे हैं, वहाँ से पूरा रिव्यू हो गया है। ज़्यादा पार्ट नहीं करवा रहे हैं इसके, टूल बॉक्स हैं, टैंक है, टाइगर हेड है, तो कुछ एक और सामान है। भाई इसका थोड़ा सा यूनिक पेंट करा रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है। खोलते हैं गाइस, खोलने के बाद आपको बताते हैं क्या क्या पार्ट इसके खुलेंगे और कौन कौन से पार्ट्स हम भेज रहे हैं। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ। तगड़ा ताम झाम लगाया हुआ इसमें, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो भाई ने लगा के रखे हुए हैं। अभी तो हमने खोल दिया, खोल दे रही है भाई। आप देख सकते हैं हमने ये इनफील्ड खोल दिया है, एंड जो जो पार्ट इसके पेंट होंगे सिर्फ हमने वही खोला हुआ है, बाकी का फालतू सिस्टम नहीं खोला। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क होगा वो यहीं का यहीं पर ही करेगा, और हमने इसको सेट कर दिया है। ये मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा 10 से 15 दिन तक यहीं पर ही सेट रहेगा एक ही जगह में। बाकी जो इसकी जो चैम्बर्स की जो बफिंग है वो यहीं पर लोकली करवाएंगे हम धर्मशाला में। बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पर भाई भी जो ये सब सिरेमिक पेंटिंग का काम करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस
जैसे कि आपको मैंने रात को भी बताया था कि मुझे सुबह 5:30 बजे निकलना है काम के लिए, तो टाइम अभी 5:20 हो चुके हैं और मैंने सामान भी निकाल लिया है जो लेके जाना है, बाइक का सामान। निकलते हैं गाइस, क्योंकि 6 बजे तक मुझे खाना पहुँचना है, सामान देना है, फिर वापस आएंगे। भाई मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में है और अप्रैल का महीना है और ठंड इतनी है भाई, जैकेट लगा के आनी चाहिए थी। तो अभी थोड़ा नीचे तक मुझे जल्दी पहुँचना है, क्योंकि आई थिंक यहाँ से 5-6 किलोमीटर की जगह थोड़ा ठंड कम लगेगी। तो भाई देखो तो आज यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ठंडा। पक्षियों की जो चाह क्या बहुत ही प्यारी लग रही है, माउंटेन तो भाई ऑलमोस्ट सुबह हो ही चुकी है और जिन भाई ने जलंधर के लिए निकलना था उनसे मेरी बात हुई है, तो बोलते हम रास्ते में हैं तो आप सामान जो बोलते हैं हमारी कैंटीन में छोड़ दीजिए। ये उनका स्कूल का कैंपस है, ये कैंटीन वाले हैं अपने कॉफ़ी बना रहे हैं मेरे लिए, बोलते भाई कॉफ़ी पी के जाइए सुबह सुबह, तो कॉफ़ी पी के ही चलते हैं। जो है ये थोड़ा सा लंबा है, आई थिंक ये नट के जो थ्रेड हैं लास्ट ये खुलेगा अभी, तो गाइस अभी आपको स्प्रिंकलर भी बाहर निकाल के दिखाते हैं। ये पूरी की पूरी स्प्रिंकलर उठ चुकी है, पिस्टन कहाँ गया भाई, ये आ गया इसका पिस्टन जो कि टॉप हो गया है और पिस्टन इंजन ऑयल वगैरह भी निकाल देंगे, सर्विसिंग भी हो ही जाएगी। तो अभी इंजन देख सकते हैं, हाफ इंजन हमने खोल के रखी है,
बेल्ट डालेंगे एंड पिस्टन डालेंगे इसका। पिस्टन जो इसका करेंगे, जो इसकी गैप दे दिया है इन्होंने, इसलिए स्टार्टिंग में भी दिक्कत और पिकअप में भी प्रॉब्लम थी। पिकअप को बहुत ही कमी थी और इसका देख सकते हैं ऑयल भी कितना गंदा निकला है। पिस्टन तो ये 20 नंबर का है, इसमें 40 नंबर का पिस्टन डालेगा। ये देखिए आपको अगर जो दिख रहा हो तो, हाँ ये देखिए गाइस, ये 20 नंबर का पिस्टन है। तो आपको बताता हूँ कि मैं रिंग्स में गैप कैसे आया और ये कैसे ख़राब हुआ। ये देखिए अभी बताता हूँ गाइस, ये है पिस्टन रिंग, इसकी टॉप की रिंग है। तो हम इस रिंग को डालेंगे यहाँ पे, साफ कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे ऐसे। तो गाइस ये देखिए गैप अप डाउन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ये वाला जो गैप है। तो इसके लिए एक यही रास्ता है कि पहले पिस्टन को डालिए, खाली थोड़ा सा धक्का दीजिए। ये देखिए कितना गैप बन रहा है, देखो ये जो गैप बन रहा है कट जो है, यहाँ से प्रेशर लीक होता है। तो पिकअप में भी दिक्कत और स्टार्टिंग की भी दिक्कत। तो जब नई रिंग्स डलेंगी तो ये गैप नहीं बचेगा। तो 0 नंबर आता है पहले, सेकंड नंबर 20, और ये अब 40 नंबर का डलेगा इसमें। पर 40 नंबर का यहाँ लोकल मार्केट में मैंने पूछा है तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। देखते हैं कहाँ पे इसका पिस्टन मिलता है। पहले इसकी इंजन ऑयल वगैरह सब निकाल लेते हैं। तो इंजन ऑयल भी आप देख सकते हैं कितना निकला भी मेन चैम्बर से। फ्रेंड्स कभी हमने देखा ऑयल फिल्टर भी आपको दिखाते हैं क्या हालत है। इंजन ऑयल आप देख सकते हैं कितना निकला है मेन क्रैंक के, इसमें इंजन ऑयल बहुत कम निकला। ऑयल फिल्टर भी अभी निकलेगा वहाँ से। गाड़ी ज़्यादातर खड़ी ही रही है, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन बुरी हालत में ही अभी। इसके बाद ये भी हट चुके हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं बैक साइड। वैसे तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुए बट ये काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, तो ये चेंज करवाना ही बेटर रहेगा। और आप हेड की भी हालत देख लीजिए बैक साइड से, हेड कैसा है। सर हेड के ये रिंग्स टूटे हुए हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी थोड़ी सी हीटअप होगी, गाड़ी जो वो थोड़ी सी गर्म होगी। ये विंग्स जो है ये एयर क्रॉसिंग के लिए होते हैं, जब एयर क्रॉसिंग नहीं होगी तो गाड़ी गर्म होगी। आई थिंक हाँ ये पूरा स्टडी बाहर आ गया, देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी हालत जो है वो इतनी बुरी नहीं है, अच्छी कंडीशन में है। और इसका जो ऑयल है क्लच का, ये हाफ लीटर अलग ही रहता है तो अच्छा है, इसका तेल भी अच्छा है। बस हमने क्लच प्लेट की फ्रिक्शन चेक करनी है, क्लच प्लेट खोल के इसकी फ्रिक्शन चेक करते हैं कि कैसी है। इसमें जो क्लच प्लेट है वो भी जेन्युइन लगी है, इंडोरेंस की प्लेट है इसमें, तो जेन्युइन में भी इंडोरेंस की ही प्लेट आती है, इसमें भी इंडोरेंस की ही लगी हुई है। देख सकते हैं आप ये पानी निकला है, ये तो इनर केस है। इनर केस को जब भी हम खोलते हैं तो अंदर पानी निकलता ही निकलता है। तो अभी हम इसके सिलेक्टर वगैरह खोलते हैं और अंदर ग्रीसिंग देखते हैं कैसे है कैसे नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी पुरानी ग्रीस है, काफ़ी टाइम से भाई ने खुलाया नहीं है कहीं के लिए। अंदर कैसा माहौल है, ग्रीस है बट इतनी नहीं है,
सर्विसिंग करनी पड़ेगी हमें इसकी। इसमें गैरल और ग्रीस दोनों ही डालते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए बाकी खुला हुआ सिस्टम कैसे, गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ग्रीसिंग करेंगे और गैरल करेंगे इसमें, बाकी सब ठीक है। ये है फोर स्पीड की सेटिंग, इलेक्ट्रा फोर स्पीड है, तो इसका बाकी का जो सामान है वो आएगा 10 से 15 दिनों के बीच में, जो पेंट के लिए गया हुआ है। बाकी की सेटिंग जो आपको हम इस बुलेट के नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कैसे उसे असेंबल किया जाएगा और भाई कौन सा पेंट कराते हैं पेंट देखने के लिए और कौन सा भाई ने थीम लगाया है इस पेंट पे के लिए, वो आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको कभी मिस मत करना भाई, हमारा गियर का काम भी अप्रॉक्सीमेटली हमारा ख़त्म हो गया। तो गाइज मिलते हैं आपको इसी बुलेट पे काम करते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा गाइज हमारा चैनल यूट्यूब पे ट्रेवलर बॉडी रॉयल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। बेल आइकन दबाएंगे तभी हम आपको नई नई गाड़ियों की अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए बना के आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए पक्का मज़ा आएगा देखने में।